नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का टारगेट भी था लोग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं प्रमोद एक बार फिर से आपसे मुखातिब होने आया हूं फिजिकल एजुकेशन TGT बैच के साथ। पिछले सेशन में हम लोगों ने शारीरिक शिक्षा के अर्थ को समझा था। इस सेशन में हम अपने सिलेबस के दूसरे टॉपिक पर चलेंगे और आप अपने सिलेबस में देखेंगे तो दूसरा टॉपिक आपको लिखा मिलेगा शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य एवं उद्देश्य। परीक्षा के नजरिए से महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, क्वेश्चन यहां से आए या ना आए या एक अलग मामला होता है, लेकिन लक्ष्य और उद्देश्य को यदि आप समझ पाए तो फिजिकल एजुकेशन की जो फंडामेंटल जानकारी होती है जिसके आधार पर आप पूरी संपूर्ण जानकारी को तय करोगे, एक प्रकार से यह वह स्थान होता है जहां से खड़े होकर के आप अपने विषय के सर्वांगीण पक्षों की तरफ अपनी नजर को दौड़ा सकते हैं और संपूर्ण पक्षों से संबंधित जानकारी आपको प्राप्त हो सकती है। इस नजरिए से यह महत्वपूर्ण टॉपिक होता है कि क्या लक्ष्य शारीरिक शिक्षा का होता है, क्या उद्देश्य इसका होता है। उम्मीद करता हूं कि हम में से अधिकांश लोगों को लक्ष्य और उद्देश्य में ही अंतर कन्फर्म नहीं हो पाता है कि लक्ष्य किसको बोलते हैं और उद्देश्य किसको बोलते हैं। ये अधिकांशतः लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। ज्यादातर लोग सामान्य तौर पर लक्ष्य और उद्देश्य को एक ही मान करके चलते हैं, इसलिए उनको समझने में कठिनाई हो जाती है सब्जेक्ट को। तो पहले तो हम लोग ये जान लें कि लक्ष्य क्या होता है और उद्देश्य क्या होता है। पहले तो हम इसके शाब्दिक अर्थ की तरफ चलते हैं, उसके बाद हम इसको फिजिकल एजुकेशन के साथ संबंधित करके समझ लेंगे कि फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य क्या होना चाहिए और उसका उद्देश्य क्या है, कैसा है। लक्ष्य का मतलब क्या होता है? लक्ष्य को इंग्लिश में एम्स बोलते हैं और उद्देश्य को बोलते हैं ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों में अंतर होता है। लक्ष्य ये समझ लीजिए कि एक प्रकार के हम ऐसे स्थल की कल्पना करें, एक ऐसे स्थान की कल्पना करें जहां तक हमको पहुंचना है। मान लीजिए कि हम यहां पर खड़े हैं, ये आप समझ लीजिए कि आप स्वयं खड़े हैं, माफ करिए थोड़ा स्मार्ट हम आपको नहीं बना पाएंगे, लेकिन ये आप खड़े हो, आपको इस स्थान तक पहुंचना है। तो यह स्थान आपका क्या हो गया? लक्ष्य हो गया। यह स्थान आपका लक्ष्य हो गया और जाहिर सी बात है कि इस लक्ष्य पर यानी कि इस स्थान पर जाने के लिए जरूरी होगा, निश्चित है कि आपके पास तमाम रास्ते होंगे। कोई सीधा रास्ता होगा, कोई ऐसे घुमावदार रास्ता होगा, है ना, रास्ते अनेक होंगे। इस लक्ष्य तक आपको पहुंचना, इस स्थान तक आपको पहुंचना है और कई रास्ते होंगे, आप उन रास्तों से चल करके अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो ये जो रास्ते होते हैं ना, हमको हमारी मंजिल तक पहुंचाने वाले रास्ते हैं, यानी कि जिससे हो करके हम चलते हैं, उसी को ऑब्जेक्ट बोला जाता है, उद्देश्य बोला जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो उद्देश्य ऐसा महामार्ग होता है जो हमको वांछित स्थान तक पहुंचाता है, हमको हमारी मंजिल तक ले जाता है, हमको हमारे लक्ष्य तक ले जाता है। तो आई होप कि आपको लक्ष्य के और उद्देश्य के बीच का अंतर क्लियर हो गया। बात जब हम करेंगे शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य की, तो प्राचीन काल से ही हम इसके लक्ष्य को उठाएंगे और आधुनिक संदर्भ तक इसको समझ लेंगे, एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि इसका लक्ष्य क्या होगा। प्राचीन काल में शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या होता था, ये हमको और आपको सबको भली भांति पता है कि प्राचीन काल में आप देखिएगा, बहुत ज्यादा पुराने समय में मत जाइए, पहले तो हम भारतीय संदर्भ में ही रह करके जहां जिस एनवायरमेंट में हम जीवन जी रहे हैं, इसी एनवायरमेंट को मद्देनजर रख करके अगर हम सोचने का प्रयास करें तो बहुत पुरानी बात नहीं है। अपने लोगों के पापा टाइम की बात कर लेते हैं, दादा के टाइम की बात कर लेते हैं, वो लोग देखो कि सुबह सवेरे एक काम करते थे, पहलवानी का काम करते थे, कुश्ती उश्ती लड़ना, है ना। प्रत्येक गांव में यह चलता था कि गांव के नवयुवक या ऐसे जो आदमी थे जो वयस्क होते थे, उनका पहला काम होता था कि सुबह सवेरे वो कुश्ती लड़ते थे। तो प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक समय आने के ठीक पहले तक का जो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य था, उसका एकमात्र लक्ष्य यह था कि केवल शारीरिक रूप से मजबूती प्राप्त करना व्यक्ति चाहता था, शारीरिक रूप से व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता था, मात्र यही लक्ष्य हुआ करता था। वहीं पर सेना की बात करें, अगर हम सेना के जवानों की बात करें, तो उनका पहले भी और आज भी ये जो फिजिकल एजुकेशन है ना, शारीरिक शिक्षा का, उनका आज भी यही लक्ष्य है कि वो शारीरिक रूप से सुडौल दिखें, स्वस्थ दिखें, फुर्ती रहे उनके अंदर। लेकिन समय बदला, परिस्थितियां बदली, आधुनिक समय में नजरिया थोड़ा सा व्यापक हो गया है शारीरिक शिक्षा का। क्या नजरिया इसका आ गया है आधुनिक समय में हमारे सामने?
आधुनिक समय में शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य ना सिर्फ केवल शारीरिक रूप से मजबूत दिखना ही है, बल्कि मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से व्यक्ति को सशक्त दिखना जरूरी है। यानी कि अब व्यक्ति के सामाजिक और मानसिक पक्ष को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, और इसको शामिल ही नहीं किया गया है अपितु इसी पर फोकस किया जाता है। कि आप देखिए, यदि आप मेंटली परेशान हैं, आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको डॉक्टर हमेशा आपको एक सलाह देगा कि थोड़ी बहुत शारीरिक मेहनत किया करिए। क्या है कि जो कोई सलाह दे दे शारीरिक गतिक से संबंधित, शारीरिक कौशलों को करने से संबंधित, उसका कुछ उद्देश्य, कुछ लक्ष्य उसने निर्धारित कर दिया है कि आपको सर्वांगीण विकसित होना है। और सर्वांगीण एक लाइन की बात कर लें कि आधुनिक समय में जो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य होता है वो व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना होता है। आधुनिक समय में, प्राचीन समय में क्या था, केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ दिखना, शारीरिक रूप से मजबूत दिखना, मजबूत होना, यह लक्ष्य होता था। समय बदलता गया, धीरे धीरे लक्ष्य में परिवर्तन होता चला गया। और आधुनिक समय को अगर हम ध्यान में रखें तो आज के दौर में शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है, चाहे फिर वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो सामाजिक हो। और मुख्य केंद्र बिंदु होता है इसका सामाजिक और मानसिक। यदि इन दो पक्षों के मामले में व्यक्ति मजबूत है तो व्यक्ति का अपना एक सशक्त स्थान समाज में होता है। और हम में से सभी लोग प्रयत्न करते हैं कि हमारा अपना एक स्थान हो अपने लोगों के बीच, एक पहचान हो अपने लोगों के बीच। तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए हमको शारीरिक रूप से भी, सामाजिक रूप से और मानसिक और चारित्रिक रूप से क्या होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए। अब उनके साथ थोड़ी सी समस्या हो जाती है। यदि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, शारीरिक वर्क नहीं कर रहे हो, अपने शरीर से आप श्रम नहीं कर रहे हो, क्योंकि कैलोरी बर्न करना भी बहुत जरूरी है। हम भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन से हमको कैलोरी मिलती है। कैलोरी यदि हमारे शरीर की बर्न नहीं होती है तो वो विसंगतियां पैदा करने लगती है शरीर के अंदर, हार्मोन का संतुलन बिगड़ने लगता है। और यदि हार्मोन इफेक्टिव हो गए, हार्मोन का संतुलन बिगड़ गया हमारे शरीर में, तो हम हो सकता है कि बहुत सारी अनायास क्रियाएं भी करने में संलिप्त हो जाएं। आज के युवाओं के साथ तो ज्यादातर यही प्रॉब्लम होती है, कि वो मानसिक रूप से पता नहीं क्यों इतने असंतुष्ट हो जाते हैं कि नशे के शिकार हो जा रहे हैं। और नशा का सेवन करने के कारण और हार्मोनल दिक्कत उनके अंदर उत्पन्न हो जा रही है। तमाम तरीके के फास्ट फूड पर बच्चे डिपेंड करने लगे हैं। नवयुवक नवकिशोरों की बात कर लें हम, तो तमाम तरीके के मार्केट के जो फास्ट फूड हैं उन पर भी डिपेंड करते हैं, कैलोरी ज्यादा प्राप्त कर रहे हैं, शारीरिक वर्क नहीं कर रहे हैं। पहले के बच्चे, पहले के लोग दौड़ते थे, शारीरिक कसरत करते थे, कुश्ती करते थे, तो जो कुछ भी खाते थे, जो एनर्जी प्राप्त होती थी, जो कैलोरी प्राप्त होती थी, वो बर्न हो जाती थी। इससे होता था क्या कि शरीर का जो हार्मोन है वो बैलेंस में होकर के काम करवाता था। आज के टाइम में हम कैलोरी ज्यादा प्राप्त करते हैं और कैलोरी को बर्न कम करते हैं, इसलिए हमारे अंदर शारीरिक बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं और हार्मोन का असंतुलन भी स्थापित हो जाता है। इस हार्मोन के असंतुलन के स्थापित होने से कई ऐसे हार्मोन होते हैं जो सीधे सीधे हमारे ब्रेन को प्रभावित करते हैं, और उसको हम काटने के लिए, उससे बचने के लिए हम दूसरे क्षेत्रों में मनोरंजन की तलाश करते हैं, मानसिक स्थिरता की तलाश करते हैं। यहीं से चरित्र पर सवालिया निशान खड़ा होना शुरू हो जाता है और सामाजिक नजरिया भी हमारा जो बदल जाता है, इसलिए हम समाज के नजरिए में गिर जाते हैं और हमारा व्यक्तित्व नुकसान पहुंच जाता है उसके ऊपर। तो लक्ष्य क्या होना चाहिए शारीरिक शिक्षा का आधुनिक समय में, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। ठीक है, इस लक्ष्य की जब हम बात करेंगे व्यक्ति के सर्वांगीण विकास की, तो इसमें सबसे प्रमुख नाम आता है जे एफ विलियम्स का। नाम आप गौर से सुनिएगा मित्रों, जे एफ विलियम्स हमने नाम लिया है। जे एफ विलियम्स ने शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य का निर्धारण कुछ इस तरीके से किया था कि कुशल नेतृत्व की क्षमता व्यक्ति के अंदर आ जाए। और व्यक्ति के अंदर जाहिर सी बात है कुशल नेतृत्व की क्षमता आएगी यदि वह शारीरिक लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया है, शारीरिक वर्जिश कर लिया है, मेहनत कर लिया है, उसके मांसपेशियों का और उसके तंत्रिका तंत्र का, यानी कि उसके मांसपेशी और उसके स्नायु तंत्र का कंट्रोल एक दूसरे के बीच स्थापित है, एक जो उनके दोनों के मध्य अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो संबंध उन दोनों के बीच का बेहतर अगर है तो व्यक्ति के अंदर कुशल नेतृत्व की क्षमता होगी, वह अपने समाज का, अपने परिवार का और स्वयं का संचालन भली भांति कर सकता है। और यदि व्यक्ति में ऐसा नहीं है तो वह अपने परिवार का भी और अपने स्वयं का भी संचालन नहीं कर सकता है, समाज के संचालन की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। दूसरा लक्ष्य निर्धारित करते हैं ये कि अधिक सुविधाएं,
व्यक्ति शारीरिक रूप से फिजिकल एजुकेशन का लक्ष्य एक ये भी होता है कि अत्यधिक सुविधाएं आपके पास हों। तो जाहिर सी बात है कि शारीरिक कौशल यदि आपके अंदर है तो आप जीवन में बहुत सारे संसाधनों को एकत्रित कर सकते हैं, और यदि आप शारीरिक रूप से ही परेशान हैं, शारीरिक रूप से ही आप डिस्टर्ब चल रहे हैं, तो शारीरिक रूप के डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है कि तमाम चीजों का डिस्टर्बेंस हो जाएगा, मानसिकता का भी हो जाएगा, सामाजिकता का भी हनन हो जाएगा। तो अत्यधिक सुविधाएं, तीसरा कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए खेल में भाग लेने का उद्देश्य, और वह अनुभव जो शारीरिक रूप से पूर्ण, मानसिक रूप से साहसपूर्ण तथा सामाजिक रूप से उचित हो, ऐसा लक्ष्य, ऐसे लक्ष्य की बात करते हैं। यह नाम केवल हम इसलिए लाए हैं कि पाश्चात्य सभ्यता या पाश्चात्य देशों में जो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें प्रमुख स्थान होता है जेएफ विलियम्स का आधुनिक शिक्षा में लक्ष्य निर्धारण को लेकर के, तो जैसा इनका मानना था, जैसा इनका मत था, कहीं ना कहीं आधुनिक भारत में भी ठीक इन्हीं के सिद्धांतों के अकॉर्डिंग शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य का निर्धारण किया गया है। ये शारीरिक शिक्षा का जो इतिहास है ये यूनान से विकसित हुआ मिलता है। यूनान इसका केंद्रबिंदु है शारीरिक शिक्षा का, और यूनान से होते हुए वर्तमान में इसका जो कंट्रोल है, वर्तमान में यह कंट्रोल अमेरिका के पास है। आधुनिक अमेरिका जो है आज के दौर में शारीरिक शिक्षा का एक प्रकार से प्रणेता देश मान सकते हैं हम, लेकिन प्राचीन दौर में प्राचीन यूनान के पास ये चीजें थी। आज के दौर में हम जितने भी शारीरिक शिक्षा से संबंधित जानकारियां हम प्राप्त करते हैं, चाहे फिर वो खेलों में होने वाली बारीकियां हो, खेलों से संबंधित जो बारीकियां हैं, जो संशोधन है, ये जो आजकल हमारे बीच में प्रचलन में है, जिम वगैरह आ गया है जो शारीरिक एजुकेशन का ही एक पार्ट माना जाता है, ये सारी चीजें कहां से आई हुई हैं? आज के दौर में ये चीजें अमेरिका से निकली हुई होती हैं। ज्यादातर ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से अमेरिका ही है, लेकिन ज्यादातर चीजें अमेरिका से ही आज के दौर में नियंत्रित की जाती हैं शारीरिक शिक्षा को लेकर के। शारीरिक शिक्षा के हम उद्देश्य की बात कर लेते हैं कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है या उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट हमने आपको समझाया था कि लक्ष्य एक ऐसा स्थान होता है जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, उस स्थान तक पहुंचना चाहते हैं। अब स्थान तक पहुंचने के लिए कुछ मार्गों का चुनाव हमको करना पड़ेगा। ये मार्ग होते हैं जिनको हम उद्देश्य बोलते हैं, यानी कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को करना, ये शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, ये शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। अब ये सर्वांगीण विकास के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे कैसे? इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे तो विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट हम अपने मस्तिष्क में बैठाएंगे और उन्हीं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम चलने का प्रयास करेंगे, है ना। अनेक उद्देश्य पालेंगे और उन उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। देखिए, एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य में भी उप उद्देश्य होते हैं, यानी कि तमाम प्रकार के उप उद्देश्यों और उद्देश्यों से होते हुए हम लक्ष्य तक प्राप्त हो जाते हैं। जैसे सिंपल एग्जाम्पल आपको दे दें, आपका लक्ष्य है अध्यापक बनना। एक उदाहरण दें, उम्मीद है कि इससे और बेहतर समझ में आएगा। आपका लक्ष्य है अध्यापक बनना, यह लक्ष्य है। अब आप उद्देश्य क्या बनाओगे? उद्देश्य आप ये बना लिए हो कि हमको फिजिकल एजुकेशन पढ़ करके अध्यापक बनना है, यह आपका उद्देश्य हो गया। लेकिन इस उद्देश्य को भी प्राप्त करेंगे आप तमाम उप उद्देश्यों का उपयोग करके। उप उद्देश्यों का उपयोग करने का मतलब है, फिजिकल एजुकेशन के लिए आप ट्रेनिंग प्राप्त करोगे, फिजिकल एजुकेशन के पहले लर्निंग करोगे, इसके संबंधित शिक्षा प्राप्त करोगे, शिक्षा प्राप्त करने के बाद अध्यापक बनने की जो योग्यताएं होनी चाहिए वो योग्यताएं धारण करेंगे। इसके बाद भी तैयारी करने के लिए आप उतरेंगे तो उसका अध्ययन करेंगे। अध्ययन में भी हम यूनिट वाइज अपनी सरलता के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन करना शुरू करेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं ये जो उद्देश्यों का निर्धारण करते हैं या उद्देश्यों को प्राप्त करवाते हैं। ये छोटी छोटी जो क्रियाएं होती हैं बीच की, जो छोटी छोटी प्रक्रियाएं होती हैं, ये उप उद्देश्य कहलाती हैं। यानी कि उप उद्देश्य से होते हुए हम उद्देश्य को प्राप्त करते हैं और उद्देश्यों को प्राप्त करके हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो उद्देश्य क्या होना चाहिए शारीरिक शिक्षा का? उद्देश्य शारीरिक शिक्षा का ये होगा कि अगर अध्यापक शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य को जानता होगा तब वह वही क्रियाओं का संचालन करेगा, उन्हीं प्रक्रियाओं का आयोजन करेगा, वही क्रियाकलापों का आयोजन करेगा जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सहायक हो सकता है। एक शारीरिक शिक्षक के लिए उद्देश्यों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। और ना सिर्फ शारीरिक शिक्षक की बात करें, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्देश्यपूर्ण व्यक्ति का होना बहुत आवश्यक होता है। उद्देश्यपूर्ण होने का मतलब क्या है कि बिना उद्देश्य के एक अध्यापक उस नाविक के समान होता है,
जिसके गंतव्य स्थल की कोई जानकारी नहीं होती है, तो वह जिनको नौका पार करवाना चाह रहा है, जिनको किनारे लगाना चाह रहा है, उस पर सवार उसके बच्चे कैसे हो जाएंगे? वो पतवार विहीन नौका के समान हो जाएंगे जो समुद्र के लहरों के थपेड़े खाते हुए किनारों की ओर बढ़ेंगे और भाग्य से जहां पहुंचना होगा वहां पहुंच जाएंगे। इसलिए शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य आधुनिक नजरिए से महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि व्यक्ति को सर्वांगीण विकास तक पहुंचाने के लिए जितनी चीजों की आवश्यकता होगी, मूलभूत आवश्यकताएं जितनी होंगी, वही उसके उद्देश्य होंगे। पहले अध्यापक को उन उद्देश्यों को पूरा करना होगा, उन उद्देश्यों को प्राप्त करना होगा, तभी वह बच्चों को सर्वांगीण विकास तक पहुंचा पाएगा। और आधुनिक समय में शरीर को मुख्य आधार माना जाता है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास करता है। तो अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए शरीर को सुडौल एवं स्वस्थ बनाना होगा, क्योंकि अगर शरीर सुडौल एवं स्वस्थ होगा तो मानसिकता बेहतर होगी। और ना सिर्फ मानसिकता, व्यक्ति के व्यवहार के पांच पक्ष होते हैं। व्यक्ति के व्यवहार के पांच पक्ष होते हैं, कौन कौन से? शारीरिक पक्ष होता है हमारा, यह तो प्रमुख उद्देश्य होता है शारीरिक शिक्षा का कि इसको मजबूत बनाना बहुत आवश्यक होगा। शारीरिक पक्ष होता है, मानसिक पक्ष होता है, मानसिक पक्ष होता है, मानसिक पक्ष के बाद सामाजिक पक्ष होता है, सामाजिक पक्ष, सांवेगिक पक्ष, सांवेगिक पक्ष और नैतिक पक्ष। ये व्यक्ति के पांच पक्ष होते हैं व्यवहार के। और अगर इन पांच पक्षों का संतुलन में विकास हो गया तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो गया। यह हमने आपको पहले के सेशन में भी बता रखा है। सर्वांगीण विकास की कल्पना हम तभी कर सकते हैं जब व्यक्ति के शारीरिक पक्ष, मानसिक पक्ष, सामाजिक पक्ष और सांवेगिक तथा नैतिक पक्ष का एक संतुलन के अनुपात में विकास हुआ हो। और इन समस्त का आधार कौन तय करता है? शारीरिक। क्योंकि यदि शरीर से ही व्यक्ति स्वस्थ नहीं होगा तो मानसिक रूप से वह कभी स्वस्थ नहीं हो सकता है। और जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होगा उसके अंदर सांवेगिक उथल पुथल चलेगी, इमोशनल फ्रस्ट्रेशन, एक तरीके का भावनात्मक तनाव बोला जाता है जिसको। मानसिकता के सही ना होने पर भावनात्मक तनाव एक स्वस्थ व्यक्ति भी महसूस करता है। यदि आपकी मानसिकता सही है तो आप भावनात्मक तनाव से मुक्त रहेंगे। इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है क्योंकि तब यह बैलेंस होगा। और यदि आप भावनात्मक तनाव में रहेंगे, भावनाओं से जूझने का काम कर रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके सामाजिकता का पतन होना तय है। क्योंकि सामाजिकता है क्या? लोगों के साथ आपकी कनेक्टिविटी, लोगों के साथ आपका जुड़ाव, लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन, अंतःक्रिया, तो वो अंतःक्रिया इमोशंस से बाधित हो जाएगी, प्रभावित हो जाएगी। कोई व्यक्ति आपसे नॉर्मली मिलना चाहता है, एक शुद्ध मना स्थिति में आकर के वह यदि आपसे कनेक्ट हो रहा है, तो आप यदि इमोशनल तनाव में हैं तो हो सकता है कि आप उसके साथ वैसा व्यवहार ना करें जैसा व्यवहार वो आपसे अपेक्षा कर रहा है। तो यहां पर आपके सामाजिकता को खतरा पहुंचेगी, तो सामाजिक तनाव उत्पन्न होना शुरू हो जाएगा, इसलिए सामाजिक विकास भी बाधित हो जाएगा, तो हमारा सामाजिक पक्ष कमजोर हो जाएगा। अगर देखा जाए तो शारीरिक पक्ष एक ऐसा पक्ष होता है जो व्यक्ति के व्यवहार के बाकी पक्षों का आधार तय करता है। और यह शारीरिक पक्ष को प्राप्त करना एक अध्यापक का शारीरिक शिक्षक के उद्देश्यों में शामिल होता है। और इस उद्देश्य को पूरा यदि कर लिया एक शारीरिक शिक्षक, तब जाहिर सी बात है वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। लक्ष्य को प्राप्त करने का मतलब है कि वह बच्चे का सर्वांगीण विकास कर लेगा। अगर हम व्यक्तिगत रूप से देखें तो भी हम यही मानेंगे कि हमको यदि हम अपना सर्वांगीण विकास करना चाहते हैं तो उसका उद्देश्य होना चाहिए शारीरिक पक्ष। हम अपने शारीरिक पक्ष पर काम करें, और यदि हम अपने शारीरिक पक्ष रूपी उद्देश्य को पूरा कर लिए तो जाहिर सी बात है कि बाकी पक्षों पर हमारा विकास, हमारा कंट्रोल हो जाएगा और निश्चित है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। इट मीन्स कि हम अपना सर्वांगीण विकास कर लेंगे। तो आई होप कि आपको लक्ष्य और उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा। अभी तो हम ये शाब्दिक अर्थों पर चल रहे थे, एक अपना नजरिया प्रस्तुत किया हमने शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य और उसके उद्देश्य को समझने के लिए। अब हम यहां पर लक्ष्य और उद्देश्य को बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर करने के लिए चलते हैं, उद्देश्यों को क्लियर करने के लिए कि कुछ विद्वानों के अकॉर्डिंग शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है। ये पीडीएफ आपके सामने जो दिख रहा है ये कुछ विद्वानों के अकॉर्डिंग है जो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण किए हैं। समझेंगे यहां पर विद्वानों के अकॉर्डिंग, और ऐसा ही पीडीएफ
जो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य और उद्देश्य, ये जो टॉपिक इस सेशन में चल रहा है, इसका संपूर्ण पीडीएफ नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। आप वहां से जाइए, नोट्स को देखिए और आकलन करिए कि क्या ये नोट्स हमारी परीक्षा के लिए उपयोगी हो सकता है। मित्रों, इस बात की मैं आपको गारंटी दिला सकता हूं, इस बात पर आपको मैं विश्वास दिला सकता हूं कि आप लेक्चर सुनेंगे और नोट्स को पढ़ेंगे तो वह प्रत्येक टॉपिक आपका क्लियर होता चला जाएगा। कभी भी हमसे आप संपूर्ण नोट्स की उम्मीद ना करिए, प्रत्येक टॉपिक का जो लेक्चर हम लेंगे वह प्रत्येक लेक्चर का नोट्स आपके सामने होगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि जो लेक्चर आपने सुना वीडियो में उससे संबंधित नोट्स अगर पा जाएंगे तो तुरंत उस नोट्स को पढ़िएगा, रिवीजन हो जाएगा और जितना जरूरी हो सकता है उसमें के पॉइंट को आप नोट करिए या अंडरलाइन कर लीजिए। कंप्लीट तैयारी की मैं गारंटी करवा सकता हूं और आपको एक शारीरिक शिक्षक के रूप में एक पद में दिलवा सकता हूं। इस बात के लिए मैं पूरा आश्वस्त हूं अपनी तरफ से और पूरा कंफर्ट मेरा रहेगा कि आपके लिए वो मैं लगाऊं। आइए, विभिन्न शारीरिक शिक्षा शास्त्रियों ने शारीरिक शिक्षा के विभिन्न उद्देश्य बताए हैं। जैसे पहला है, कौन पहला है, एक हैगमन तथा ब्राउनवेल। आइए देखिए, हैगमन तथा ब्राउनवेल, इनके अनुसार क्या है शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य, जिसके द्वारा शारीरिक स्वस्थता में वृद्धि हो। अभी हमने समझाया कि अगर शारीरिक स्वस्थता में वृद्धि होगी तब वह सर्वांगीण विकास की तरफ बढ़ेगा। व्यक्ति सर्वांगीण विकास की तरफ तभी वह बढ़ेगा जब शरीर स्वस्थ होगा, क्योंकि शरीर स्वस्थ होगा तो मानसिकता स्वस्थ होगी और मानसिकता स्वस्थ होगी तो सामाजिक उत्थान होगा व्यक्ति का। सामाजिक उत्थान डिपेंड करेगा उसके इमोशंस और उसके मॉरलिटी पर। इमोशंस और मॉरलिटी दोनों डिपेंड करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य पर। नैतिकता आपकी वही हो जैसा आपका इमोशन होगा, जैसा आपकी भावना क्षेत्र, जैसी आपकी भावना प्रक्रिया होगी वैसे ही आपकी नैतिकता होगी। सही और गलत का निर्धारण आप हमेशा अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर भावनाएं उमड़ गई आपके अंदर, वह गलत रूप में गलत धारा पकड़ ली, तो आप उसी धारा के अकॉर्डिंग आप आलोचनात्मक नजरिया रख करके किसी व्यक्ति को क्रिटिसाइज करेंगे। अगर आप इमोशनल परेशान हो गए, दुखी हो गए किसी व्यक्ति के व्यवहार को लेकर के, किसी अपने नजदीकी के व्यवहार को लेकर के अकारण यदि आप दुखी हो गए, तब उसके विषय में नकारात्मकता आपके मस्तिष्क में तुरंत घर कर जाएगी और उसको लेकर के आपकी नैतिकता भी वही बिल्कुल बन जाएगी। इसलिए इनके अकॉर्डिंग पहला होता है कि शारीरिक स्वस्थता में वृद्धि हो, यह उद्देश्य होगा, क्योंकि ये वो महामार्ग है जिससे हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और लक्ष्य हमेशा दिमाग में बैठाए रखिएगा कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना या बालक का सर्वांगीण विकास करना। अगर यह लक्ष्य है तो इस लक्ष्य का पहला महामार्ग है शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि। दूसरा है गामक कौशलों में वृद्धि। शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि ही केवल महत्वपूर्ण नहीं है कि मोटा तगड़ा स्वस्थ व्यक्ति हो जाए, बस हाथ पैर चलाना ही ना जाने, उछलना कूदना भागना या अन्य जटिल कौशलों को करना ही ना जाने। अब जटिल कौशलों में, शारीरिक कौशलों में कई क्रियाएं होती हैं, अति सूक्ष्म क्रियाएं भी होती हैं, कई सूक्ष्म गतिक कौशल भी होते हैं, उन सूक्ष्म गतिक कौशल को भी सीखना होगा, ठीक है। तो गामक कौशलों में वृद्धि, क्योंकि गामक कौशल में वृद्धि होगी तब इसमें चार चांद लग जाएगा, सोने पर सुहागा होगा। अगली बात, ज्ञान तथा जानकारी के वृद्धिकरण में सहायक। जानकारी भी कुछ प्राप्त करनी होगी अपने शरीर के विषय में, अपने जीवन के विषय में, अपने इर्द गिर्द की वस्तुओं के विषय में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमको प्रभावित करेंगी। हमारे एनवायरमेंट में जितनी वस्तुएं हैं वो किसी न किसी रूप में हमको प्रभावित करती हैं। उनका प्रभाव क्या होता है कि कई ऐसी वस्तुएं होती हैं जो हमको हमारे संसाधन उपलब्ध करवाती हैं जीवन को सरल तरीके से जीने के लिए, लेकिन कई हमारी इर्द गिर्द की ऐसी वस्तुएं होती हैं जो शारीरिक रूप से हमारे ऊपर नुकसान पहुंचाती हैं। जैसे आप पढ़ते होंगे कि पानी में पारा आता है, पानी में पारा होता है और वो पारा रोग का कारण होता है, सिलिकॉन उसमें आ जाता है, वो रोग का कारण होता है। आगे चर्चा करेंगे हम इसकी, जब इसका साइंस वाला पोर्शन चलेगा तो उसकी चर्चा करेंगे। तो एक व्यक्ति को अपने शरीर की स्वयं की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, एक व्यक्ति को अपने शरीर की स्वयं की जिम्मेदारी इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि उसके इन्वायरमेंट में, उसके इर्द गिर्द जितनी वस्तुएं हैं, सभी वस्तुएं उसको स्वास्थ्य लाभ नहीं पहुंचाती हैं, कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो उसको स्वास्थ्य हानि पहुंचाती हैं। अब अगर आपको जर्दा पान गुटखा मसाला इसके विषय की जानकारी नहीं है कि हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है कि हमारे शरीर को लाभ पहुंचा सकता है, तो आप इसके प्रति उदासीन रहेंगे। इसलिए कहता है कि ज्ञान तथा जानकारी वृद्धिकरण में सहायक
यह शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है। दूसरा अभियोग्यता, अभियोग्यता का मतलब एप्टीट्यूड की वृद्धि में सहायक, एप्टीट्यूड की वृद्धि में सहायक का मतलब है अभियोग्यता किसको कहेंगे, अभियोग्यता का मतलब है कि कई पक्ष जिसमें आपकी बौद्धिकता, मानसिकता, तर्क क्षमता, कल्पना, स्मृति, अवधान सब जुड़ जाता है, वही अभियोग्यता कहलाता है। तो अगर शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे तो ये चीजें अपने आप विकसित होंगी, और अगर नहीं है तो एक शारीरिक शिक्षक को इनको विकसित करवाना होगा, यह भी उद्देश्यों में शामिल है। यानी कि हैगमैन और ब्राउन बेल के अकॉर्डिंग शारीरिक शिक्षा के ये वो उद्देश्य हैं जिससे होकर के व्यक्ति शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति का सर्वांगीण विकास कर सकता है। एक दूसरा है जेबी नैश, जेबी नैश के अकॉर्डिंग क्या है, जेबी नैश ने शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण करते हुए बताया, पहला उद्देश्य आपके सामने है जेबी नैश का, इन्होंने बताया कि शारीरिक अंगों का विकास, शारीरिक अंगों का विकास यह शारीरिक शिक्षा का पहला उद्देश्य इन्होंने बताया। अंगों का विकास होगा तो शरीर का विकास होगा, शरीर का विकास होगा तो अन्य व्यवहार के सभी पक्षों का विकास होगा, इससे होकर के वह व्यक्ति सर्वांगीण विकास की तरफ पहुंच सकता है, अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता है। पेशी तथा तंत्रिका तंत्र में तालमेल को विकसित करना यह बहुत आवश्यक होता है। ये इनका जो उद्देश्य है यह महत्वपूर्ण हो जाता है आपके समझने के लिए और उद्देश्य से लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। क्योंकि अगर पेशियां मजबूत ही हो गई हैं तो क्या होगा, तंत्रिका के साथ उनका तालमेल होना बहुत जरूरी है। तंत्रिका का, हमारे शरीर का कंट्रोल, हमारे शरीर के प्रत्येक अंगों का कंट्रोल कौन करता है, नर्वस सिस्टम करता है, या यूं कह लें हमारा ब्रेन करता है। अब मोटे तगड़े शरीर बिल्कुल बलिष्ठ बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन अगर ब्रेन का कंट्रोल मांसपेशियों पर नहीं है तो मांसपेशियां वह नहीं कर पाएंगी जो ब्रेन आदेशित करेगा। तो तंत्रिका का मांसपेशियों के साथ तालमेल होना अत्यंत आवश्यक है। इसकी जटिल प्रक्रिया का अध्ययन हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के अंतर्गत। तो पेशी तथा तंत्रिका तंत्र के बीच तालमेल को विकसित करना यह शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। और नो डाउट शारीरिक शिक्षा के जरिए जब भी हम किसी बालक को तैयार करते हैं, फिजिकल एजुकेशन हम उसको देते हैं, उसको उसकी शारीरिक शिक्षा देते हैं, व्यायाम करवाते हैं, खेल कूद करवाते हैं, तो इन दोनों के बीच तालमेल की प्रक्रिया अपने आप बैठने लगती है। सर्वांगीण विकास यह उद्देश्य में शामिल कर दिया था किसने, जेबी नैश ने, कि उद्देश्य इन्होंने सर्वांगीण विकास कर दिया। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या होता है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना, और शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, सर्वांगीण विकास को प्राप्त करने के लिए जिन रास्तों का हम अनुसरण करेंगे वो रास्ते उद्देश्य में आएंगे। निर्वाचनात्मक विकास, निर्वाचन का मतलब चुनाव, चुनाव का मतलब क्या होता है कि कुछ बहुत सारी प्रक्रियाएं हमारे जीवन की, हमारे शरीर के बहुत सारे कौशल हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण कौशलों का चुनाव करना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि हमारे शरीर जितने, हमारे शरीर के प्रत्येक अंग का कुछ ना कुछ कार्य होता है, लेकिन उन सभी कार्यों का एक निश्चित चुनाव होना चाहिए, एक निश्चित आयोजन होना चाहिए। अगर हम चुनाव के जरिए निश्चित आयोजन क्रियाओं का नहीं करेंगे तो प्रत्येक शरीर के अंगों का हम दुरुपयोग भी कर सकते हैं, तो इसलिए निर्वाचनात्मक विकास बहुत जरूरी है। आगे बढ़ा जाए, एक और व्यक्ति के अकॉर्डिंग हम लोग समझें, चलिए चार्ल्स ए बोचर, इंग्लिश में है चार्ल्स ए बोचर, हिंदी में कई बार इसको लिखा पाएंगे आप चार्ल्स ए बोचर भी। क्या कहते हैं ये, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन पुस्तक में शारीरिक शिक्षा के इन्होंने निम्न उद्देश्य बताए थे। पहला उद्देश्य इन्होंने बताया था शारीरिक विकास करना। आप देखेंगे कहीं ना कहीं सबके उद्देश्य लगभग एक जैसे ही मिलेंगे, लेकिन इनके अकॉर्डिंग परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट हम आपके सामने इसलिए लेकर के आए हैं क्योंकि समझने को तो हम लोग प्रथम 5 मिनट में ही पूरा लेक्चर समझ लिए हैं कि लक्ष्य क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, ठीक है। और आपने कुछ अध्ययन जो पहले का किया होगा पूर्व ज्ञान, उसके सहारे अब आपको संपूर्ण जानकारी निश्चित है मिल चुकी है। लेकिन ये अलग अलग व्यक्तियों के अकॉर्डिंग जो हम उद्देश्य पढ़ रहे हैं ना, ये खाली एग्जाम के नजरिए से पढ़ रहे हैं, और एग्जाम के नजरिए से पढ़ रहे हैं तो चीजें समझ में भी आ जाएंगी। कई बार पूछ देगा अगर चार्ल्स ए बूचर के अकॉर्डिंग शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, अब ये जो 4-5 बातें ये बता रखे हैं, 4 बातें, इनमें से एक बात विकल्प में रहेगी, बाकी चीजें अलग व्यक्तियों के अकॉर्डिंग दी हुई होगी। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हम पढ़ रहे हैं। चार्ल्स ए बूचर ने अपने फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन बुक में जो शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए हैं, उस उद्देश्य में सबसे पहला उद्देश्य इन्होंने बताया है शारीरिक विकास करना, फिजिकल डेवलपमेंट। दूसरा बताया है गामक विकास करना। गामक विकास का मतलब है जो गतिक कौशल की बात करते हैं, है ना, मोटार
डेवलपमेंट यानी कि गति कौशल, जिसमें चलना फिरना उछना उछलना कूदना भागना बैठना, ये गामक कौशल, तो गामक कौशल का विकास करना। दूसरा मानसिक विकास, ये शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य इन्होंने बताया, और सामाजिक विकास ये शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य बताया। अगर देखा जाए तो चार्ल्स बूचर ने शारीरिक शिक्षा को लेकर के जो उद्देश्य निर्धारित किए, ये सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाता है और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं, क्योंकि इन्होंने उन महत्वपूर्ण उद्देश्यों का निर्धारण किया जिसके जरिए सही मायने में व्यक्ति शारीरिक शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, यानी कि सर्वांगीण विकास को प्राप्त कर सकता है। इसके बाद जितने भी विचारकों को हमने देखा, शारीरिक शिक्षा के विचारकों के अकॉर्डिंग जो उद्देश्य हमने देखे, इन उद्देश्यों का एक समेकित स्वरूप भी हम अपने सामने लाते हैं, प्रस्तुत करते हैं। क्या है कि विभिन्न विचारकों तथा शारीरिक शिक्षा शास्त्रियों के विचारों को समझने के पश्चात शारीरिक शिक्षा के आदर्श उद्देश्य निम्नलिखित कहे जा सकते हैं, यानी कि जो ऊपर के विचारकों के अकॉर्डिंग हम लोगों ने उद्देश्यों का अध्ययन किया, उनके अकॉर्डिंग जब हम उसका सारांश निकालेंगे तो एक आदर्श उद्देश्य शारीरिक शिक्षा का निकल करके आएगा। उस आदर्श उद्देश्य में पहला उद्देश्य होता है शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक प्रशिक्षण, स्नायु मांसपेशी विकास। स्नायु मांसपेशी विकास का मतलब है नर्वस और मसल्स, नर्व एवं मसल्स का विकास करना। मानसिक विकास, व्यक्तिगत और आचरण का विकास, यानी कि व्यक्तिगत और आचरण का विकास, यानी कि स्वयं व्यक्ति का और उसके आचरण का विकास उद्देश्यों में है। और ध्यान रखना, उद्देश्य वो महामार्ग है जो व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुंचाता है, ये हम बार बार रिपीट करते रहेंगे। लक्ष्य क्या है? सर्वांगीण विकास करना। उद्देश्य क्या है? वो रास्ते हैं जिसके जरिए हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये वो रास्ते हैं, यानी कि ये वो उद्देश्य हैं जिससे हम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास को प्राप्त कर सकते हैं। ये उनके विचारों के अकॉर्डिंग निकल करके आया है। अगला क्या है कि सामाजिक व सांस्कृतिक विकास, ये तो बहुत जरूरी है ना। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना केवल ये व्यक्ति पर डिपेंड नहीं करता है, या केवल एक अध्यापक पर डिपेंड नहीं करता है, एक सही इन्वायरमेंट का होना ही भी तो बहुत जरूरी है। आप चाहे जितनी मेहनत कर दीजिए, अगर इन्वायरमेंट बेहतर नहीं होगा तो नहीं हो सकता ऐसा कुछ। इसलिए सामाजिक व सांस्कृतिक विकास भी लक्ष्य होना चाहिए, यानी कि बच्चों के बीच, व्यक्तियों के बीच सही नैतिक आचरण का सृजन करना चाहिए, उनके अंदर एक मॉरलिटी विकसित करनी चाहिए, एक नैतिकता विकसित करनी चाहिए, क्योंकि तभी तो एक अच्छे सामाजिक माहौल और एक अच्छे सांस्कृतिक माहौल की कल्पना करेंगे। और चाहे जितना हम शारीरिक शिक्षा के जरिए प्रयत्न कर लें कि व्यक्ति का हम सर्वांगीण विकास करें, लेकिन यदि इन्वायरमेंट बहुत बेहतर नहीं होगा, जीवन जीने के लायक इन्वायरमेंट नहीं होगा, तो वह कभी भी सर्वांगीण विकास को प्रभावित कर देगा। इसलिए सबसे प्रमुख रूप से जिम्मेदारी उठानी चाहिए कि इन पक्षों पर काम करना चाहिए, इन पक्षों पर काम करना चाहिए। जैसे अगर आप कहीं पर यात्रा करते हैं, मान लीजिए आपको किसी दूसरे शहर में जाना है, किसी शहर में आप रह रहे हो, वहां से मान लीजिए आपको इलाहाबाद आना है, तो ये तो आपका लक्ष्य है ना, इलाहाबाद, इलाहाबाद आना आपका लक्ष्य है। और जिस रास्ते से, जिस माध्यम से आएंगे, वो उद्देश्य और उपउद्देश्य कहलाएंगे। घर से निकलेंगे तो हो सकता है बाइक से स्टेशन जाएं, ऑटो से स्टेशन जाएं, स्टेशन से ट्रेन पकड़ेंगे, ट्रेन पकड़ करके फिर आएंगे। तो ये जो बाइक, ऑटो, स्टेशन, ट्रेन, ये चीजें क्या है ना, उपउद्देश्य और उद्देश्य में शामिल हो गए। फिर अपने लक्ष्य को आप प्राप्त कर लेंगे, यानी कि अपने स्थान पर आ जाएंगे, इलाहाबाद पर आप आ जाएंगे। तो यहां आने का क्या मतलब होगा, किस लिए आ रहे हैं आप, कोई तो काम होगा। तो यहां आप रहने का भी स्थान बनाएंगे। रहने का स्थान कहां बनाएंगे? जहां आपके अकॉर्डिंग माहौल हो, यानी कि जो आपसे परिचित होगा उसी के यहां आप रहने का प्रयत्न करेंगे, या निर्धारित करेंगे कि हम प्लेटफॉर्म पर रह जाएंगे। तो ये जो प्लेटफार्म है या जो रहने का स्थान आप निर्धारित कर रहे हो ना, यही जीवन से अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा एनवायरनमेंट है। हम सर्वांगीण विकास कर लेंगे ठीक है, लेकिन सर्वांगीण विकास करके रहेंगे कहां? ऐसे माहौल में रहेंगे जहां हमारा सर्वांगीण विकास संतुष्ट रहे, उसको कोई इफेक्ट ना पहुंचे। इसके लिए जरूरी है कि सामाजिकता और सांस्कृतिक माहौल एक बेहतर तरीके का हो। इसलिए शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में यह भी शामिल है कि सामाजिक व सांस्कृतिक विकास किया जाए बच्चे का, ज्ञान की वृद्धि की जाए, ये तो पहले ही हमने समझाया। खाली समय का सदुपयोग किया जाए, इसका उद्देश्य होता है शारीरिक शिक्षा का, कि व्यक्ति के खाली समय का उपयोग हो जाता है। अरे भाई, जब खाली समय है तो खेल कूद व्यायाम इत्यादि क्रियाएं जब वो करेगा तो खाली समय का सदुपयोग भी हो गया और उसको शारीरिक लाभ भी मिल गया, स्वास्थ्य लाभ भी मिल गया। नेतृत्व की शिक्षा, शारीरिक शिक्षा का यह उद्देश्य होता है। खेल प्रदर्शन के लिए प्रयत्न करना, यह भी शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। खिलाड़ी जब खाली होते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस क्यों करते हैं?
अपने खेल प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए, संवेदात्मक विकास करना, नियमित वृद्धि एवं विकास यह भी शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है। आगे जब आप पढ़ेंगे शारीरिक शिक्षा के जैविक आधार, जैविक आधार में जो हमको जैविक आधार प्राप्त होता है, इस बात की पुष्टि तो विज्ञान करता है, उसमें भी जीव विज्ञान करता है, किस तरीके से हम माता के गर्भ में हमारा अवधान होता है, उसके बाद वृद्धि और विकास की प्रक्रिया शुरू होती है, तो वह वृद्धि और विकास की प्रक्रिया केवल गर्भ में ही समाप्त नहीं होती है, पैदा होने के बाद भी वृद्धि और विकास की प्रक्रिया चलती है। इसलिए शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए नियमित वृद्धि और विकास को पोषण प्राप्त हो सके। अगला, राष्ट्र प्रेम जागृत करना, यह भी शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होगा। शक्ति तथा अधिक देर तक कार्य करने की क्षमता का विकास करना, यानी कि व्यक्ति के कार्य क्षमता में वृद्धि लाना, व्यक्ति के कार्य क्षमता में वृद्धि लाना, क्योंकि यह एक राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी होता है। भारतीयों में भारत कृषि प्रधान देश है, अब तो चीजें परिवर्तित हो रही है, लेकिन पहले के लोगों में कार्य क्षमता बहुत अधिक थी, यानी कि व्यक्ति अधिक देर तक कठिन परिश्रम कर सकते थे खेती किसानी का, इसलिए आज राष्ट्र यहां तक पहुंचा है। और आगे भी एक शारीरिक शिक्षक को प्रयत्न करना चाहिए कि वह बच्चों के शारीरिक क्षमता को बढ़ाए, कि वह अधिक देर तक कार्य करने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर सकें। चाइना इस मामले में माहिर है, इसलिए चाइना आज छाया हुआ है। खेलों के माध्यम से चिंता तथा तनाव से मुक्ति, यह भी एक उद्देश्य होना चाहिए। खेल भावना को जागृत करना, यह भी एक उद्देश्य होता है शारीरिक शिक्षा का। व्यायाम तथा खेल कूद संबंधी ज्ञान प्राप्त करना, यह भी शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है। अपने पर नियंत्रण रखना इत्यादि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य होता है। तो इस सेशन में हम लोगों ने एक छोटा सा टॉपिक था, ये टॉपिक बहुत छोटा था, लक्ष्य और उद्देश्य को बताना था शारीरिक शिक्षा के, क्योंकि अर्थ और परिभाषा को हम लोगों ने पिछले सेशन में पढ़ लिया है, इसमें केवल लक्ष्य और उद्देश्य क्लियर करना था, तो एक पूरा टॉपिक हमारा समाप्त हो गया है। हम नेक्स्ट सेशन में एक दूसरे से मुखातिब होंगे फिर एक बार शारीरिक शिक्षा के जैविक आधार को लेकर के, बहुत दमदार बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छा लग रहा होगा, अच्छा आगे लगेगा भी, बेहतर समझ में भी आएगा, और आप लोगों ने जो विश्वास हमारे ऊपर बताया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और हम प्रयत्न करेंगे कि आपके विश्वास को हम इसी तरीके से सफल बनाते रहें और आगे आपके लाभ के लिए काम करते रहें, आपकी सफलता के दिशा में हम लगातार प्रयत्न करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।